मैं जा रहा हूँ अभी मूछ दाढ़ी कटवाने, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और फिर बच्चे को छू जाएगा, फिर है ना मेरे पास आएगा नहीं, भागेगा फिर, इसलिए कटवा लेता हूँ जाके। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं रवि और कनिका, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे मिस्टू एंड मिस्ट्री। मम्मी सोफे पे सो रही है और सूरज भाई दो चीज लेके आया हमारे लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये लाया अभी, इसका थोड़ा सा ढक्कन वगैरह थोड़ा अलग रखा हुआ है, ये ठीक करवाना है, क्योंकि इसमें बाकी सब सही है, बस जो बच्चे का होता है ना दबाता है तो गाने बजते हैं ट्यून वगैरह, वो खराब हो चुका है, स्पीकर या कुछ खराब होगा जाके चेक कराएंगे। और अंदर एक वो रखा हुआ है जिसमें बच्चों को लिटा के घुमाते हैं पार्क वगैरह में, वो भी लाया भाई। चलो दो चीज तो उन लोग का पैसा बच ही गया, इतना तो कर सकते हैं। अभी मार्केट जा रहे हैं थोड़ा बेबी के लिए जो प्लास्टिक का होता है जो बिछा के बेबी को सुलाते हैं, ताकि अगर वो टॉयलेट वगैरह करे तो बिस्तर गीला ना हो, वो लेने जा रहे हैं हम लोग। अभी मैं और सूरज यहाँ बैठे हुए हैं सेक्टर 18 अट्टा मार्केट में, है ना, अट्टा मार्केट में बैठे, और जो बंदा हमें झूला देगा बच्चे का वो इसका स्टूडेंट है, डांस सिखाता है उसको, है ना। तो वो अभी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे देख सकते हो सारी दुकानें बंद है, पीछे मेरे देखो आपको दिख रहा होगा A to Z दुकानें सारी बंद है। सूरज भाई अजीब सा नहीं लग रहा है दिन में ही भाई सारी दुकानें बंद है? ऐसा सीन तो रात को मिलता है देखने को, ये कोरोना। कितने बजे रात का देखता है ऐसा सीन? दो तीन बजे तो आपको वो दिख रहा होगा भाई सामने, वो है जो हमें सामान दिलवाएगा, इसी की दुकान है क्या? स्प्रिंग, ये मेरा फेवरेट है। ये पहली बार किया, सूरज कल ही तारीफ करता है इसकी, बोल रहा था भाई ये जरूर मच्छरदानी वाला है ना। ये आ गया गाइस, जो कैरी बैग की तरह ना बच्चों को ऐसे लेकर के भी जा सकते हो। अच्छा गिम्बल, गिम्बल नहीं, ट्रेनिंग वाले बाथटब बना करके नहलाओ बच्चे, झूला झुलाओ, ले सकते हो ना बोल के। आज देख लो हमको कैसे देखना पड़ रहा है लॉकडाउन की वजह से, है ना, अपना ही सामान चोरों की तरह देखना पड़ रहा है। गजब बेइज्जती है। इसमें ये नेट है ऊपर से, अच्छा ये हैंगिंग के लिए रस्सी आगे ये वो जो काट ले चारों साइड से, ऊपर अपना आराम से हैंग कर लो, लट गया पीछे के मिल जाएगी। बाकी देखो आपको ये रॉकिंग चेयर भी है, हाँ एक तो एक सीट बेल्ट भी है, अरे एक वैसा भी आता है ना जिसमें मतलब वो नॉर्मल होता है नीचे रहेगा वो सिंपल, और उसमें ऐसे कुछ रस्सी टाइप का होता है उसको हिलाते रहो, पालना ये भी पालना ही है, लेकिन ये तो धरती में चिपका रहेगा, थोड़ा सा ऊंचा होता है वो। नहीं नहीं ये बाउंसर है, ये धरती में चिपका। अच्छा ये बाउंसर है, ये जो रॉड है ना, हाँ हाँ ये रॉड आपको नीचे लगेगी, देखो ये दोनों साइड ना आपका फिक्स हो जाएगा। अच्छा इस पे जब बच्चे का वेट पड़ेगा ना, जैसे गोदी में होता है बच्चा वो करते ना वैसे, इस पे ये ऐसे हिलता रहेगा आराम से अपना, बच्चे को लगेगा ही नहीं कि मम्मी पापा की गोद से नीचे है ये। और प्लस आपको ये चीज ऐसे करके ये टांग करके मतलब फुल और नेट लगा दो, और जब बच्चे का वेट इसमें पड़ेगा ना तो पूरा ऐसे झुक जाएगा नीचे, ये अपना बाउंस करता रहेगा। तो गाइस एक लोचा हो चुका है, हम लोग आए थे कुछ सामान लेने, बट आपको पता ही है अभी सामान वगैरह मतलब मिल रहा है, दुकानें वगैरह सब बंद पड़ी है, तो इसका जो स्टूडेंट था उसने बुलाया था कि आ जाओ मैं दिखा दूंगा आपको, तो अभी नीचे क्या हुआ कि गलती से उसने सेटर अपना खुला छोड़ दिया, और उसके वजह से कोई मतलब पुलिस वाला आया, अभी नीचे खड़ा है पुलिस वाला, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, चलान वलान काट रहा है क्या कर रहा है। जब अभी नीचे विवेक नाम है ना, अभी विवेक जब ऊपर आएगा तो उससे पूछेंगे कि क्या हुआ भाई, अच्छा चला फट गई हमारी तो, खाली हाथ तो आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं वापस, और अब शायद हो सके तो शाम को आएंगे, धूप बहुत तेज है गाइस, पूरा चेहरा चमका दिया मेरा। ये भाई भी हमारे साथ फंस गया था ऊपर। ये हम तीनों बैठ के ऊपर बात कर रहे थे। अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि मेरे को थोड़ा वीडियो एडिट करना है और अपलोड भी करना है, तो शाम को आएंगे आराम से फुर्सत में।
अभी मैं फाइनली घर पे आ चुका हूँ और ये देखो मेरे बालों में कितना आपको थोड़ा पसीना दिख रहा होगा, गीला गीला सा। मैं स्कूटी पे बैठा, मेरा पिछवाड़ा चल गया भाई साहब, इतना गर्मी है। और सूरज अभी गया है अपने डांस अकेडमी में जहाँ वो डांस वगैरह प्रैक्टिस करता है। और ये मेरा एक फ्रेंड है आकाश, आप देख सकते हो इसका चैनल नाम लिखा हुआ है ऊपर, आकाश गुर्जर 2.0। तो ये बेबी के लिए कुछ देके गया है, अभी इसके अंदर क्या है देखते हैं क्या है। ओ कपड़ा है इसके अंदर, बट मुझे लगता नहीं है ये अभी हो पाएगा, निकाल के देख लेते हैं कि छोटा है या बड़ा है। नहीं हो जाएगा। और ये इसका चड्डी छोटा सा, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है गाइज ये। एक और है ब्लू कलर का, ये भी सेम है, इसमें भी चड्डी वड्डी है। एक दिक्कत हुई रात को, एक बंदे ने मेरे को कॉल किया और वो मतलब वो मुझसे ऐसे बात कर रहा था कि वो मेरे को जानता हो अच्छे से, मुझसे बोल रहा है, आलम नाम है, मतलब वो खुद का नाम आलम बता रहा था, ठीक है, बोल रहा था कि मैं, और मेरा भी सही में एक फ्रेंड है आलम जिसके साथ मैं पबजी खेलता हूँ, तो मुझे आवाज़ भी उसी की तरह लगी, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा हाँ शायद हो सकता है नया नंबर ले लो। मैंने पूछा भी भाई नया नंबर लिया क्या, कह रहा हाँ नया नंबर लिया है। फिर वो कह रहा है मैं आपके फ़ोन पे में 10,000 रुपये भेज रहा हूँ, आप मेरे को बाद में दे देना, क्योंकि उसके बैंक में कुछ दिक्कत थी उस बंदे की, वो उसका ये कहना था। तो अभी फिर उसने मेरे को मैसेज आया मेरे पास फ़ोन पे में, मैंने देखा ये तो पे का ऑप्शन आ रहा है, वो तो मुझे भेज रहा है ना, तो वो मुझे, मैं क्यों पे करूँ। फिर मैंने तुरंत उसको डिक्लाइन किया और कॉल वर काट के ब्लॉक कर दिया। अभी फिर से दोबारा सुबह मैंने कॉल लगाने की कोशिश किया तो उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा। सूर्य ने लगाया, सूर्य ने थोड़ा बात किया, इसको भी अभी ब्लॉक कर दिया। तो मैं अब दिखाना चाहूँगा कि वो फ्रॉड बंदा जो है, अभी उसने सूर्य ने पूछा तो वो अपना नाम बता रहा था मनोज, दिल्ली से, लक्ष्मी नगर से मनोज बोल रहा हूँ मैं। तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, उसका नंबर दिखाता हूँ उसको, बंदे को ना इतनी उसकी ऐसी तैसी करो कि सारा नंबर ही बंद कर दे वो। देख सकते हैं ये वाला नंबर है, और जिसने अपना नाम मनोज बताया है सूरत से, और ये दिल्ली का बता रहा है लक्ष्मी नगर से। तो इसको बंदे से पूछो भाई कि क्यों ऐसा काम करते है, तो ठीक है नंबर इसको देख लो और इसको इतना परेशान कर दो कि मजा ही आ जाए, मैसेज कॉल जो करना है कर। अभी हम लोग जाने वाले थे सुबह के, अभी बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं। तो सूरज को मैंने बुलाया था बेबी के लिए जो झूला लेने जाने थे, लेकिन जो इसका स्टूडेंट है वो कह रहा है कि अभी मत आओ, अभी भी पुलिस घूम रही है वहाँ पे, अगर आपको मैंने सामान दे दिया तो पुलिस वाले रोक लेंगे, पूछेंगे कहाँ से खरीद कर आए, फिर उसका भी वो भी फंस जाएगा और हमारा भी फिर दिक्कत हो सकता है। तो उसने हमें शाम को बुलाया 4-5 के आसपास, क्योंकि उस टाइम वहाँ से पुलिस हट जाती है, राउंड रेंज लगाती ज़्यादा, सामान मिल जाएगा सामान हमें, लेकिन वही दिक्कत है ना, थोड़ा दुकानें वगैरह खुल नहीं रही है तो क्या करें, बस दुकानदार खुद का सामान नहीं बेच पा रही, उनके अंदर इतना डर है। जस्ट अभी बाबू को तेल वेल लगाया है, धूप वूप सिखा ऐसे सेंक दिया, ऐसे मत देखो भाई, अरे मत देखो ऐसे भाई, आँख खराब हो जाएगी। 3 hours later. तो हमारे घर पे भाई सूरज भाई आ चुका है, मारता क्यों भाई, अभी हम लोग सब लोग बैठ के इसका नाम डिसाइड कर रहे थे क्या नाम रखे इसका, और कोई अपना कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मैंने गूगल से सर्च किया, सबको बताया, अभी वो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा क्या नाम है। पापा तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। अभी जा रहे हैं हम लोग इसके लिए झूला लेने के लिए, जिसमें सोएगा और ऐसे ऐसे हम लोग उसको झुलाएंगे ऐसे ऐसे। लोग दोबारा आ चुके हैं अट्टा मार्केट, और जब से लॉकडाउन लगा है तब से अब जाके ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है मार्केट, है ना, नहीं तो हम जब भी आते हैं भाई साहब एकदम पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, भाई साहब पैर रखने की जगह नहीं मिलती, भीड़ ऊपर से इतनी होती है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। अभी वो सूरत का जो स्टूडेंट है विवेक, वो अभी आ रहा है और हमने सामान पहले ही पसंद कर लिया, फटाफट लेंगे लिखेंगे, देखने देना तो है नहीं हमें। अभी हम लोग जो लेने आए थे, जस्ट लेने ही वाले थे, काला कुत्ता घूम रहा है, सॉरी ब्राउन है, तो हम जो लेने हम आए थे वो चीज़ हमें, मुझे लगता नहीं कि अभी भी मिल पाएगा वो हमें, डंडा हो गया, क्योंकि फिर से पुलिस वाले आ गए राउंड पे, जब भाई जब हम आते तभी सारे पुलिस वाले राउंड मारने आ जाते, पता नहीं क्या दिखते। विवेक भाई आ चुका है, ये कुछ कहना चाहता है। हाँ भाई विवेक भाई, क्या है सामान वामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा आज? फुल उम्मीद है आज दे दूंगा, आज फुल उम्मीद है एकदम, है ना, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा सूरज भाई मिल पाएगा यार, उम्मीद वाला कह रहा है मिल जाएगा। एक काम करना भाई, फटाक से दे देना, निकल जाएंगे
ऑनलाइन पेटीएम वगैरह पैसे में दे दे दूंगा, ठीक है। पे आ चुके हैं भाई, कैसे लेके आए इसको सूरज? कैसे गिर गया था भाई वो? छोड़ भाई वो नहीं बोल रहा मैं, लेके कैसे आए इसे इतने खतरों के बीच से? संघर्ष करना पड़ा मैं लाने के लिए। मस्ती पूरे गली में पुलिस घूम रही है बाइक बाइक से। सूरज में बैठे वहां पे, सूरज का दुकानदार समझ रहे पुलिस वाले, पता क्या कह रहे आके? अरे ये हम लोग कह रहे सर क्रिकेट खेलने आए हम तो। फिर ये कह रहा है उसको, कह रहा है पुलिस वाला, अरे जो छोड़ छोड़ तू, हमें पता कितना क्रिकेट खेलता, ये बता बच्चों का सामान लेना कहाँ मिलेगा? बोल रहा ये नहीं बोल रहा, सही में लेना बता कहाँ मिलेगा। इनने बोला हम तो पता नहीं, हम यहीं रहते ही नहीं यहाँ पे, हम क्रिकेट खेलने आए हैं। चला आ गया फिर भाई साहब, मतलब इतना ज्यादा पता अट्टा में तो वैसे घूम रहा था बिना ड्रेस के। अरे वहाँ पे बिना पुलिस के ड्रेस के बंदे भी घूम रहे हैं वो? पूछ रहे हैं के, मेरे से अगर ये सदा दुकानदार होता अट्टा का, ये बोलता अरे मेरी दुकान मिलती है आ जाओ, साले को ले जाके इतना मारते अंदर। ये सूरज अनबॉक्सिंग कर रहा है इसका, काफी बड़ा है। अभी मैं वो बाहर वाले सौरभ भाई कह रहे एलईडी लाया है क्या, मैंने कहा भाई झूला है। नोएडा में अगर आप रहते हो है ना सूरज, तो आपको अगर बच्चों के लिए कुछ भी सामान चाहिए या फिर स्पोर्ट्स का कुछ सामान चाहिए तो आप लोग अगर मैं कमेंट कर देना, मैं आपको एड्रेस बता दूंगा कहाँ मिलता है वो, है ना। या फिर आप मेरे को इंस्टा पे पूछ सकते हो, मैं जिस जहाँ जो विवेक है हमारा छोटा भाई है वो उसी का नंबर दे दूंगा डायरेक्ट, उसी से बात कर लेना आप दुकानदार। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं, अगर आप फैन बन के अगर उसको फ़ोन करोगे तो प्लीज़ यार परेशान मत करना, वो लोग बिजनेस वाले आदमी हैं, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग जाकर उनको फ़ोन करके बोलो कि मेरे को मिस्टी से बात करा दो। तो मैं ये नंबर आपके हेल्प के लिए दे रहा हूँ, ये नहीं कि आप उनको परेशान करो फोन करके, तो प्लीज़ समझो इस बात को, है ना सर भाई? कुछ कहना चाहेगा? मैं बोल रहा हूँ परेशान मत करना, ऑलरेडी मैं एक नंबर बंद करवा चुका हूँ अपना। हाँ सूरज भी काफ़ी परेशान हो गया था हमारे कॉल आते थे इसके बाद, तो इसने नया नंबर लिया है, इसलिए आप थोड़ा समझा करो, किसी का हम नंबर देते तो उसको मतलब परेशान मिसयूज़ मत करो। और हाँ गाइस आज का व्लॉग यहीं तक, थोड़ा सा मैं इसको दिखा दूंगा अभी बस। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों का नाम नीचे लिखा रहा है इंस्टाग्राम का, जाके फॉलो कर लेना और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है वहाँ से फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो पूरा है ये, और सूरज हिला रहा है, ये देखो गाइस पूरा एकदम, ये चैन लग जाएगा तो मच्छर भी नहीं काटेंगे अंदर, टेंट लग गया, खाना खाना आ सकते हैं यार, हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं सिस्टम बनता है? हमारे बचपन के टाइम में नहीं था, हमारा तो झोपड़ी था। Let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone.